सो गाइज हेयर वी हैव दी ऑल न्यू टाटा पंच और आप लोग देख पाओगे भाई काफी नया कलर है और ये कलर सिर्फ एकॉम्प्लिश में आता है, तो अपने भाई एकॉम्प्लिश मॉडल है और इसमें फुल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। तो राकेश भी किंग हमारे साथ है, राकेश भी क्या क्या कर रहे हैं इसमें चीज शेयर करो पहले। एक्सटीरियर के अंदर कर रहे हैं, हॉर्न लगा रहे हैं, LED लगा रहे हैं, ठीक है ठीक है, और डोर वाइजर वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक काम होता है, काम जो होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर के अंदर है, सीट कवर है, डोर पैनल है, डैशबोर्ड है और वेलकम लाइट है, ठीक है, मैट्स है, फ्लोरिंग है, मतलब ये सारा ही काम इसमें A to Z सारा जो गाड़ी का मेकओवर कहते हैं, मेकओवर जिस हिसाब से होता है कंपनी के अंदर जो जो लग सकता है वो सब कुछ लगा, जो बच्चा घुचा रह जाता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ जी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। LED हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कैट का भाई, पावरफुल रहने वाला है, काफी पावरफुल है। कैसा रिस्पॉन्स है आगे? बहुत बढ़िया, 2 साल की इसका गारंटी रहने वाला है, बिल्कुल हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट की, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो रिप्लेसमेंट का होके दूसरा आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी जैसे LED होता है धीरे धीरे वो यूज करने पे रोशनी कम होने लगता है, ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम। और इसका रिस्पॉन्स भी मैंने खुद चेकआउट करा है मैग्नाइट में और किसी कार में, बिल्कुल HID वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, रोशनी बहुत जबरदस्त है, जो आपका नॉर्मल बल्ब लगा होता है उससे दो गुना ज्यादा तेज है। चलो तो DRL भी खोले पड़े हैं, कुछ DRL में भी अपग्रेड कर रहे हैं कुछ भी? DRL के अंदर इसके अंदर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोसोनिक का हॉर्न लगा रहे हैं, क्योंकि इस मॉडल में सिंगल हॉर्न आता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्रेटा वाला हॉर्न हम लगा रहे हैं, ट्रम्पेट वाला जो होता है, ट्रम्पेट वाला होता है, ठीक है, डबल हॉर्न लगा रहे हैं जो बहुत ही अच्छा, 1 साल की गारंटी, पावरफुल है, पावरफुल, कभी कंप्लेन आज तक तो नहीं आई मेरे ख्याल से, आज तक नहीं आया, अगर आता भी है बाय चांस इलेक्ट्रॉनिक चीज है, अगर आता भी है तो चेंज होकर 2 साल लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एंड टू एंड, रिपेयरिंग नहीं सीधा रिप्लेस, बिल्कुल रिप्लेस होगा भैया, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल की गारंटी, अगर 2 साल में भी कुछ हो जाए तो मैं चेंज करके दूंगा। बस भाई ये होता भाई असली काम करने का तरीका। बाकी भाई मॉडिफिकेशन चल रही है, हेडलाइट में LED लगी क्योंकि आप लोगों को पता, अभी देखो भाई हेलोजन आता है तो कैसे LED लगेगी भाई, कैसे सेटअप होगा सारा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे पंच का प्लेट यहाँ पे भी है, जो कपलर टू कपलर लगने वाला है इसके अंदर, कोई तार कटिंग वोटिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको गाड़ी का वारंटी मिलता है 5 साल या 2 साल के लिए, वैसे को वैसे ही सेफ रहेगा, कोई आपका गारंटी खत्म नहीं होने वाला। चलो तो ये भी लगते हुए मैं आप लोग को सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, बाकी काम अभी चल ही रहा है यहाँ पे। अंकित एक बार हटियो, ऑडियंस को मैं दिखा दूँ, तो ये पूरा अपना डैशबोर्ड खुला पड़ा भाई। अब आप लोग देखोगे जब इसके बाद इसमें पूरा प्रॉपर कपड़ा चढ़ जाएगा, इंटीरियर से मैचिंग कपड़ा चढ़ा रहे, क्या चढ़ा रहे भाई, थोड़ा आप यहाँ पे स्टेयरिंग देख के समझ जाओगे भाई। और यहाँ हमारा सूरज खड़ा है, सूरज कैसा है? बढ़िया भाई, बिल्कुल स्टेयरिंग मेरे को A1 चाहिए, A1 होगा भैया, मजा आ जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल मजा आ भाई। लड़का भाई काफी मेहनत है, इसको प्यार सपोर्ट दिखाओ, बंदा भाई दिन रात एक करके स्टेयरिंग चलता है यहाँ पे। और अपना ये पूजन भाई लगा पड़ा है पूरा अपना फ्लोरिंग करने में, तो पूजन भाई कैसे हो, ऑडियंस को हाय बोल दो एक बार। बहुत बढ़िया, ये हमारा 5 महीने है भाई जिसको आप लोगों ने अच्छा प्यार सपोर्ट दिखाया। पूजन भाई के जब तक मुंह में पान है ना तब तक काम तो रुक ही नहीं सकता है। चलो तो भाई का ज्यादा मजाक नहीं उड़ाइए भाई, भाई को काम करने देते हैं, सारा अपनी गाड़ी खुली पड़ी है। फ्लोरिंग में आप लोग को दिखाता हूँ, फ्लोरिंग के फायदे मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं भाई, गाड़ी में नई गाड़ी है, फ्लोरिंग जरूर करवाना। ये अपनी भाई क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग नहीं है, ये अपनी यूनिवर्सल है, क्रोकोडाइल वाली होती है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एज पर यो बजट भाई दोनों हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, बट रिकमेंडेड ये भाई क्रोकोडाइल वाली ही फ्लोरिंग अपनी गाड़ी में लगाना, बाकी वाली यूनिवर्सल स्पेशली फॉर पंच के लिए। अपनी पूजन भाई यूनिवर्सल है, पंच का है, ये पंच का है, स्पेशली पंच का है, प्रॉपर S2S कटिंग है जी, क्रोकोडाइल वाली नहीं अपनी, ना, ना, पंच तो पूजन भाई एक बार और बता दो फ्लोरिंग का क्या फायदा होता है, भाइयों ने बहुत प्यार दिखाया आपकी इस वाली बात को। अरे फायदा ये है फ्लोरिंग का, जो नीचे गंदगी नहीं लगता, ठीक है, उसके बाद पानी उन्हें गिर जाए, दूध गिर जाए, बदबू नहीं आता गाड़ी, ठीक है, और बस और भी कुछ बता रहे थे। बाकी भाई भाइयों को अब काम करने देते हैं, उसके बाद जब एक बार गाड़ी फुल रेडी होती है या जो जो अपग्रेड होता है वो मैं आप लोगों के साथ साथ चेकआउट करवाता हूँ। सो गाइस पंच में अगर मैं आगे आप लोगों को अपडेट दे दूं, तो आप लोगों को पता है भाई यहाँ पे हमें हेला का हॉर्न मिलता है, जो कि आप लोग चेकआउट कर पाओगे, नॉर्मल सा हॉर्न होता है, पीपी वाला हॉर्न होता है, तो भाई इसको चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोसोनिक का ट्रम्पेट लगा दिया। अंकित एक बार और दिखाइए हॉर्न, बिल्कुल अल्टीमेट वाला हो गया जो आप लोगों ने चेकआउट करा, बाकी और कुछ आगे अपग्रेड होता है मैं आप लोगों को साथ साथ चेकआउट करवाता। सो गाइस फाइनली अपने पंच की मॉडिफिकेशन का हम कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों को पता भाई जहाँ पंच की बात है किसी कार की बात है तो कार कस्टम ऑलवेज ऑन द टॉप है, यहाँ पे किंग भाई आप लोगों को पता भाई इतना अच्छा अल्टीमेट प्यार सपोर्ट दिखाते हो, तो फुल मॉडिफिकेशन में कर चुके हैं, बस येलो लाइट एक नीचे लगी क्योंकि भाई फॉग का टाइम है। तो राकेश भैया आके A to Z सारा डिटेल शेयर करो, क्या क्या इसमें धमाका करा भैया। इसके अंदर हम एक्सटीरियर में बताया था आपको, यहाँ पे LED लगाया है, ओके,
ठीक है, ये ब्लैक कैट वाला भाई रिस्पॉन्स देखो दिन में ही, मतलब अभी उतनी नाइट नहीं हुई है, जबरदस्त है, दो साल की पूरा पूरा गारंटी है, कोई भी दिक्कत आएगा रिप्लेसमेंट की है। ओके, उसके बाद ये बम्पर प्रोटेक्टर लगाया है जो देख सकते हैं आप, ठीक है, जो काफी मैंडेटरी चीज है, मतलब गाड़ी में होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, ये फास्ट शो के लिए भी अथवा सेफ्टी के लिए भी है। उसके बाद ये फोग लाइट कंपनी से फिट हो गया है, ठीक है, तो इसको येलो रखा हमने, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया है, ऊपर व्हाइट किया, नीचे अभी ठंड का टाइम तो फोग का टाइम है तो आपको पता ही है, येलो रखा गया है, ठीक है, आपका मफलर बढ़िया लग रहा है लेकिन। और उसके बाद यहाँ पे एलईडी करा क्योंकि मैंने देखा था ये येलो आता है, यहाँ पे ना येलो आता है, ठीक है, इसके अंदर हमने व्हाइट एलईडी व्हाइट करा क्योंकि कॉम्बो रखा गया, येलो बेकार लगता है ऊपर का। तो उसके बाद इसके अंदर ने हम क्रेटा, इसके अंदर हमने क्रेटा वाला और लगाया है जो ट्रम्पेट होता है, ठीक है, मैं आपको बजा करके चेक, चलो तो एक बार चेकआउट भी करते हैं क्योंकि नॉर्मल पहले पीपीप वाला साउंड आता है, ये देखो अल्टीमेट है बिल्कुल। बाकी भैया का भी रिस्पांस दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, यार भैया को काम कैसा लगा एंड में। बाकी इस कलर का नाम है ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज है मेटाफर ब्रॉन्ज, ये तो ये कार का जो कलर है भैया ब्रॉन्ज कलर में है, ठीक है, तो अंदर भी इसमें एसी बेंड का जो इसका जो पैटर्न दिया हुआ है थोड़ा सा ब्रॉन्ज कलर के अंदर दिया है, ठीक है, उसके बाद में हम सीट कवर का जो कलर किया है वो किया है डार्क टेन के अंदर जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और क्वालिटी मतलब बहुत जबरदस्त फाइन क्वालिटी का, वो भी अभी हम चेकआउट कराएंगे, पहले एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन दिखा दूं तो डोर गार्ड इसमें नहीं आता बट हम लोगों ने कॉम्बो पे ध्यान दिया व्हाइट वाला, ये जीएफएक्स का लगाया है ओरिजिनल, ठीक है, लोकल नहीं है चाइनीज नहीं है, जैसे इसका अभी चमक है वैसे आप एक साल बाद भी देखोगे तो वैसे का वैसे ही चमक रहेगा भैया, ठीक है, तो भाई ये GFX का स्पेशल ही है, देखो यार GFX की ब्रांडिंग मिल जाएगी आप लोगों को और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया, साथ साथ भाई सेफ्टी का भी मैटर है, सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे डोर गार्ड आप लोग, यहाँ पे डोर वाइजर आप लोग देखोगे, और टाटा ये हमने लगाया भैया, ये हमने लगाया भैया, ये टाटा का है हमने लगाया है, ठीक है, और इसमें लगा हुआ नहीं आता, क्वालिटी नहीं लगा नहीं आते, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, इसमें 3M का टेप लगा रहता है जो कभी नहीं उतरता, पहले मार्केट में इसके डोर वाइजर्स अवेलेबल नहीं थे, अब सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, अभी इसमें क्रोम का लीजिए फिर नॉर्मल ब्लैक लीजिए दोनों अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, चलो तो भाई बाकी ये चीज दिखा दिया, तो साइड प्रोफाइल में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी, पिछली अकॉम्प्लिश मॉडल है मैंने आप लोगों को दिखाया था, हम लोगों ने एलॉयज हेडलाइट पूरा चेंज करा बट इसमें हमने एलईडी लगाया, इसमें एलईडी लगाया भैया, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा इसमें और थोड़ा सा काम है वो करवाऊंगा, अलॉय भी लगवाऊंगा और ग्यारह लोगोरा और प्रोजेक्टर हेडलाइट भी लगा, तो भाई अब सीधा बैक प्रोफाइल में ले जाता हूँ कि बैक प्रोफाइल में हम लोगों ने क्या धमाका, तो गाइस बैक प्रोफाइल में ले जाऊं तो एज सच मुझे नहीं लग रहा कुछ में मॉडिफिकेशन हुई है, जस्ट एक यहाँ पे बम्पर गार्ड जो आप लोग देख पाओगे भैया यही अपग्रेड हुआ है खाली, बिल्कुल ये बम्पर में बम्पर प्रोजेक्टर और बाकी यही अपग्रेड हुआ है, ठीक है, और क्योंकि इसमें लोडेड आता है इस वाले मॉडल में लोडेड आता है, ठीक है, और अंदर से जो इंटीरियर किया बस वो, चलो तो भाई सीधा इंटीरियर लेके जाता हूँ क्योंकि मेन धमाका जो है जो आप प्यार सपोर्ट दिखाते हुए इंटीरियर, तो सीधा आ जाओ इंटीरियर में, तो भाई इंटीरियर में सबसे पहले आप लोग डोर पैनल देखोगे तो यहाँ पे भाई पूरा अपना ब्लैक में आता है, सो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया जैसा कि भैया ने बताया डार्क टैन कलर में, तो डार्क टैन में भाई कपड़े की फिट एंड फिनिशिंग देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो भाई यही इसका कलर है ओरिजिनल और बहुत ज्यादा लग्जूरियस टाइप का हो चुका है भाई इंटीरियर और प्रीमियम हो चुका है, उसके अलावा पंच का स्कफ प्लेट आप लोग देख पाओगे भाई ये ब्लू और व्हाइट कलर में आता है, आप चाहो तो भाई दोनों चीज अवेलेबल है आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो, सबसे बेस्ट चीज भाई पंच का काफी डिमांड आ रही थी कि भैया मैट दिखाओ, तो 70 मैट किसी के पास अवेलेबल नहीं था, सब एल्ट्रॉस का चिपका रहे थे बट यहाँ पे आप लोगों को कार कस्टम किंग के पास भाई सारे मैट्स अवेलेबल है हर गाड़ी के, तो यहाँ पे पंच का स्पेशली आप लोग मैट देख पाओगे स्पेशली फॉर पंच है, ये देखो बाकी डिटेल में तो हमारे हिमांशु भाई इंटीरियर के बारे में बताएंगे, हिमांशु ने क्या क्या करा भाई, मतलब भाई क्लाइंट थे सामने खड़े हमारे बिल्कुल, और मतलब बड़े प्यारे बंदे थे यार, ठीक है, कहा यार मैं आप टोर पर ट्रस्ट करके आया हूँ, आप मेरी कार के बॉडी कलर से कुछ सिमेट्री में आता हूँ, कुछ ऐसा इंटीरियर डिजाइन करो कि मतलब मेरे को अच्छा लगे, ठीक है, तो पहले तो आप बताओ सौरभ भैया आपको कैसा लग रहा है, तो बहुत अल्टीमेट लगा, वह क्या है इसमें आपको कैसा लग रहा है, बहुत अल्टीमेट लगा मेरे को, तो कलर कैसा लग रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये पंच में, ये ना एक्चुअल में मैं सौरभ भैया आप थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाओ कलर को, बिल्कुल अगर हमारे क्लाइंट से कोई लक्ज़री कार देखा होगा जैसे अपना पोर्शे वगैरह भाई, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें स्टैलियन मटेरियल लगा होता है प्योर लेदर सीट कवर, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सेम कलर है ये प्योर लेदर नहीं है भाई, लेकिन कोई देख के कह नहीं सकता कि ये वो मटेरियल है या नहीं, क्वालिटी वही सेम दिया, गारंटी वारंटी तो हम दे ही रहे हैं, बिल्कुल, और यार पता क्या इसमें देखा मैंने सबमरीन सीट तो है ऑलरेडी, ओके, बट हमारे क्लाइंट की ना एक रिक्वायरमेंट थी, उनको ना अंडर थाई सपोर्ट चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे फॉर्मिंग ऐड करी, यहाँ पे ठीक है हर तरफ इस सीट में नहीं हर तरफ हर सीट में फॉर्म की एक्स्ट्रा कुशनिंग कर दिया ताकि उनको लॉन्ग रूट पे अंडर थाई सपोर्ट मिल सके, ठीक है, और तंग ना हो, चलो
तो भाई अंदर डिटेल में बैठ के मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। सबसे बढ़िया तो भाई मेरे को स्टेयरिंग लग रहा है, जो कि आप लोग चेकआउट कर पाओगे भाई, अल्टीमेट वाला स्टेयरिंग कंट्रोल भी है। हिमांशु स्टेयरिंग कंट्रोल इस मॉडल में तो लगा दे, क्योंकि इसमें तो लगा, बट मेरा काफी भाई प्योर लेने की सोच रहा बेस मॉडल। ऐसे ही थोड़ी ना आपके भाई को ओपनिंग बोल रहा तो अपने पास कितना चीज स्टॉक में अवेलेबल है भाई? मेरे पास इसका वो है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, ठीक है। अरे कोई कहता है कि मेरे को हेलर चाहिए तो मैं ऑन ऑर्डर मंगवा देता हूँ, ठीक है। सेम डे पे DRL DRL भी मिल जाता है भाई, ठीक है। लेकिन ना काफी क्लाइंट्स क्लाइंट ना इसका बेस मॉडल कम लोग ले रहे हैं, ज्यादातर लोग ये वैल्यू फॉर मनी है ये वाला मॉडल। मेरे को भी वैल्यू फॉर मनी लगा इसमें, जैसे DRL वगैरह की आप बात कर रहे हो, मैंने ना एक तो ऊपर आपका देखा आपने पार्किंग बल्ब लगा दिया, एक मैंने LED लगाई, LED का रिस्पॉन्स देखा आपने? बिल्कुल, मैंने चेकआउट करा। यहाँ से लाइव दिखाओ, ये देखो अभी जल नहीं रहा कुछ, ठीक है, ये देखो ये है भाई अपने LED का रिस्पॉन्स, मतलब आंखों को चुभेगा भी नहीं और कम भी नहीं है। हम लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब जो बंदा ड्राइव करे ना उसके लिए क्लियर विजन रहेगा, हाईवे हो या सिटी हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, तो अप्रिशिएट ही करेगा हमें। चलो बाकी आप ये देखो ध्यान से, इसमें हमने ना ये आपकी पूरा लेदर स्टिचिंग प्रॉपर। बाकी तो यार ये मेरे को सच बोल रहा हूँ पर्सनली, आपको पता है मेरे को घुमा के बात नहीं करनी आती भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअल में जैसा हमारा मेरे को ना एक्चुअल कार नहीं ध्यान आ रही है, मैंने देखा है अभी पीछे किसी कार में सेम इंटीरियर, पोर्शे में देखा था या BMW 720D थी शायद, शायद ओके, बट आई एम नॉट श्योर, बट सेम ऐसा कलर का इंटीरियर हुआ हुआ था। तो यहाँ पे तो येलो बल्ब आता है, इसको भी LED करा हम लोगों ने, इसको डोम लाइट तो अच्छी व्हाइट ही अच्छी रहती है। इससे ये बेनिफिट होता है जैसे नीचे कुछ गिरा है तो वो ढूंढने में आसानी होती है, ये रेसर के ये पुराने बल्ब, ठीक है। एंड मतलब ये भी हम दे देते हैं यार, क्लाइंट के मन में रहता नहीं हमारे बल्ब कहाँ गए, ये रह गए, तो हम कुछ भी रहते, हमारे किसी यूज का भी नहीं होता, कुछ यूज नहीं है, क्योंकि हम तो इसको चेंज करके LED ही लगाते हैं। मैट देखा आपने? बिल्कुल भाई, मैट की फिनिशिंग देखी भाई, ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल मैट है, प्रॉपर जिसे कहते हैं, स्पेशली हमारा डिजाइन है, हमने स्पेशल पंच के लिए और मतलब हमारी जो रनिंग कार, क्योंकि किसी के पास मैट्स का अवेलेबल नहीं है पंच का। दूसरा एक चीज आप नोटिस करो, मैंने ये वाले हेडरेस्ट आगे के ब्लैक लगे, देखो मेरी रनिंग पर्सनली मैं ज्यादा चलाता हूँ, ठीक है, फैमिली वगैरह कम बैठती है तो सिर पे ऑयल वगैरह होता है भाई, तो वो उसका कलर इस पे ना आए इसलिए हमने इसको ब्लैक रखा। चलो तो ये बहुत हर एक चीज का मतलब ध्यान रखा जाता है, जब इतनी दूर से लोग ट्रस्ट करके आते हैं ना भाई, पूरी हमारी ये फोकस होता है कि यार कहीं से भी उसको यू ना रहे कि यार ये चीज में कमी रह गया, ये रह गया। अब ये देखो इसमें भी जिप लगवा के प्रॉपर तरीके से हमने काम करा रखा भाई, ओके। और बाकी तो पीछे वाली सीट के हेडरेस्ट फिक्स थे, आप पीछे वाली सीट देख ही सकते हो, पीछे की साइड में आप लोग को लेके जाता हूँ भाई, मेन है पीछे की साइड का भी दिखाना, तो काफी डिमांड आती है कि भाई पीछे का आप लोग नहीं दिखाते हो, तो पीछे के सबसे पहले तो डोर पैनल्स देखो भाई, ये देखो प्रॉपर हर जगह ध्यान दिया गया, प्रॉपर हर जगह लेदरिंग हुई है। मेन होता भाई कॉर्नर की फिट एंड फिनिशिंग भाई, आप लोग देखो बिल्कुल एज टू एज है इसका भाई। ये पीछे का अपना सीट है और पैसेंजर सीट आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ की भी फिट एंड फिनिशिंग देखो। यहाँ आप लोग भाई जो थोड़े बहुत रिंकल्स देख रहे हो, एक तो ये कपड़ा भाई लग्जरी वाला और दूसरा चीज़ है ठंड का टाइम है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिंकल्स भाई जैसे जैसे इसमें बैठेगा अपने आप शेप ले लेगा। बाकी ये देखो भाई जो क्लियर है सो क्लियर है भाई, आपका भाई हर एक चीज़ आपको क्लियर दिखाता है। तो ये है भाई A to Z, पीछे आप लोग चेकआउट कर पाओगे। अब सीधा क्लाइंट का रिव्यू लेते हैं भैया का, क्या यार उन्हें हमारा काम कैसा लगा, और जो ट्रस्ट करके आए थे, जो भरोसा करके आए थे, उस पर हम लोग खड़े उतरे नहीं उतरे, तो सीधा मैं भैया का रिव्यू दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने टाटा पंच की फुल मॉडिफिकेशन देखी, तो सर हमारे पास थे, सर काफी ट्रस्ट करके आए थे और यहाँ पे किंग दोनों खड़े हमारे पास। तो सर सबसे पहले आपको काम कैसा लगा? काम बहुत बढ़िया लगा, मैं राकेश ब्यास से आते ही सिर्फ तीन चीजें बोली थी, ओके, काम मुझे A1 क्वालिटी का चाहिए, हाँ, सिक्वेंसिंग गाड़ी की मैच हो कलर के साथ, बिल्कुल, और तीसरी चीज थी लो मेंटेनेंस रहे, ओके, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, ओके, आई एम वेरी थैंकफुल टू राकेश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, कैसे एक रेफरेंस मिला आपको यहाँ कार कस्टम का? मैंने रेफरेंस के लिए YouTube वीडियोस देखी थी, ठीक मैंने है, काफी सर्च किया था YouTube वीडियोस पे और मुझे बहुत बढ़िया लगा था, ओके, एंड मैंने जैसे ही बहुत सर्च भी की थी, हाँ, मतलब और भी काफी लोगों ने बनाया पर हमारे पे ट्रस्ट करा आपने, डेफिनेटली, चलो एंड मैं सेटिस्फाइड हूं काफी, ओके, फुल। आपका नाम पूछना भूलिया। मेरा नाम हितेश है। नितेश भाई तो फुल एक सेटिस्फाइड हो। सवाल मेरा पर्सनल ही है, मतलब जैसे आपने इतनी सारी वीडियोस देखी, आपको हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि यार ये ठीक काम करेंगे? हाँ, ट्रस्ट फैक्टर जरूर आया और वही चीज मुझे यहीं पे अट्रैक्ट की, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो डेफिनेटली, यू आर सेटिस्फाइड। बंदा क्या चाहता है उसमें ट्रस्ट के लिए सामने वाला समझे, टाइम दे,
राकेश भैया की टीम बहुत बड़ी है और सब हर चीज के लिए डिपार्टमेंट बटा हुआ है, डिपार्टमेंट्स अलग हैं। बहुत जल्दी, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी काम हो जाएगा एंड मैं काफी उस चीज से सेटिस्फाइड, फुल सेटिस्फाइड। लोगों को रिकमेंड करेगा आपके जैसे कोई मेरा भाई वीडियो देख रहा होगा? डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। मैं जिस तरह से यूट्यूब वीडियो पे ट्रस्ट किया था और मैं आया और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ उस चीज से। काम भी बढ़िया क्वालिटी का हुआ है जिस तरीके से मुझे चाहिए था और मैं यही बोलूंगा लोगों को, एक बार आओ मेरे से बात करो, बाकी आपकी मर्जी है। चलो चलो, तो थैंक यू सो मच। हमारे मफलर मैन के लिए कर दो एक।